चलो ये सारे बच्चों दिस साइड CACS हरीश मथारिया फिर वही दिल लेकर के आया हूँ। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये वाला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आप लोगों का। सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना फाइनल अकाउंट। अब सोल प्रोप्राइटर में भी दो दो टाइप के कंसर्न यहाँ पे हो सकते हैं। कौन से दो टाइप के कंसर्न हो सकते हैं, ध्यान देना बेटा अच्छे से। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ए हेलो, और दूसरा है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सर सोल प्रोप्राइटरी मतलब अकेला आदमी ओनर, सिंगल ओनर है, अकेला आदमी मालिक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का किराना शॉप है ना। किराना दुकान में आपने देखा होगा जनरली किराना दुकान के बाहर नाम लिखा रहता होगा है ना। बीच बीच में अगर मैं थोड़ा ब्लर हो जाऊँ तो चिंता मत करना, जब ऐसे में हिलते रहता हूँ ना तब थोड़ा सा ब्लर होता हूँ बेटा है कैमरा के सामने। मैं भले ही ब्लर हुआ तो चलता, आपका भविष्य ब्लर नहीं होना चाहिए है ना। ये जो है ये ब्लर नहीं होगा, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में बेसिकली क्या होता है, अकेला आदमी ओनर है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किराना शॉप है ना। जब भी कोई किराना दुकान आप देखते हो तो बाहर प्रोप्राइटरी है ना ऐसा लिखा रहता है, प्रोप्रा अविनाश शर्मा, प्रोप्रा रमेश दड़वी, यस और नो। तो ये जो प्रोप्राइटरी कंसर्न होते हैं यहाँ पे अकेला आदमी मालिक है, वो बिजनेस को अकेला आदमी रन कर रहा है, वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी नहीं है, अकेला आदमी मालिक है। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की हम लोग बात कर रहे हैं, और उसी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है बेटा, हम लोगों को यहाँ पे उसका फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देखना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के पहले एक चीज मैं क्लियर करवा लेना चाहता हूँ कि आप सभी को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पता है बेटा, आप सभी को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पता है, यस और नो, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। जर्नल एंट्रीज से लेके तो ट्रायल बैलेंस तक आपको सारी चीजें आती है ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्या मैं सही हूँ? मतलब धंधा शुरू हुआ जो कि गोइंग कंसर्न है, बिजनेस के अंदर में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड का पोस्टिंग हो रहा, पोस्टिंग का बैलेंसिंग हो रहा, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट, यस और नो। चलो ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ओके, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। यस कृष्णा भैया नमस्ते, हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं कृष्णा साहू, चलो आ जा मुन्ना आ जा, चलो आ जाओ। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की बात चल रही है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप लोगों को पता है, आप फाइनल अकाउंट टॉपिक के अंदर हो। मतलब ये है आपका बिजनेस जो कि कैसा है, गोइंग कंसर्न है। बिजनेस में क्या होते हैं बेटा, फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इन ट्रांजेक्शंस को आप लोग क्या करते हो, रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का रूल आपको याद है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं है। और रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, या तो जर्नल एंट्री बुक में, या तो सबसी डायरी बुक में, सबसी डायरी बुक्स में, सबसी डायरी बुक्स में परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल बुक। रिकॉर्डिंग के बाद आप लोग क्या करते हो, पोस्टिंग, पोस्टिंग कहाँ करते हो, लेजर बुक, खाता वही। लेजर बुक में होते हैं अकाउंट, समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड से तो बैलेंस इधर लिख देंगे, इसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। पोस्टिंग के बाद आप करते हो बेटा बैलेंसिंग, ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस जो भी निकाल लिया। उसके बाद आप बना लेते हो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर में सिर्फ एक स्टेटमेंट है और इसमें सारे डेबिट बैलेंसेस और सारे क्रेडिट बैलेंसेस की टोटल रहेगी सारे, और ये टोटल टैली रहेगी, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। एंड धैन टैन उसके बाद रहेगा हमारा फाइनल अकाउंट जो हमें पढ़ना है, कंपनी के केस में इसी को प्यार से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल देते हैं बेटा। सो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि फाइनल अकाउंट कब पढ़ते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट, ए हेलो, फाइनल अकाउंट कब पढ़ते हैं बेटा हम लोग, जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कब प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वैसे कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं बट जनरली प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा आ जाओ। चलो सो फाइनल अकाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले, ये हमारा टॉपिक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है,
आज मैं आप लोगों को फाइनल अकाउंट पढ़ाने जा रहा हूं। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की बात कर रहा हूं, कंपनी की नहीं। ये तो कुछ बच्चा अभी बोलेगा, सर कंपनी के केस में तो फाइनल अकाउंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, नोट्स टू द अकाउंट्स भी आता है। नहीं सर, पार्टनरशिप में तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी आता है। नहीं, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, कंपनी की या पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा हूं या एनपीओ की बात नहीं कर रहा हूं। सोल प्रोप्राइटरी अकेला अकेला आदमी ओनर है। यस और नो? क्लियर है? पक्का? डन? चलो आगे। ओके चलो यार, आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। सो आप लोग यहाँ खड़े हो अभी, ये हमें पढ़ना है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, साथों साथ काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स है। सर एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले, है ना? बीच में कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपके पास में होती है और आपको पता चलता है कि ये कुछ ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग पेंडिंग है, अभी तक अकाउंटिंग हुआ नहीं है। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको समझ में आया कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग पेंडिंग है। कब समझ में आया? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद समझ में आया कि कुछ ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग पेंडिंग है। तो अब हम लोग टाइम मशीन में बैठ के पीछे तो नहीं जा सकते ना और जर्नल एंट्री करके वापस आ गए फिर से? नो, नॉट पॉसिबल। ना ही पिछले अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मिटा सकते हैं, ये भी नहीं पॉसिबल है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस के बाद कभी कभार आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, या तो आपसे गलती से अकाउंटिंग छूट गया है, या फिर ऐसी कुछ एडजस्टमेंट है जो साल के आखिरी में ही करनी पड़ती है। यस और नो? तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स का, इन सारी एडजस्टमेंट्स का हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा? अकाउंटिंग करेंगे। यस और नो? चलो स्टार्ट कर दूं मैं। और इन्हीं अनरिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को आप डर के मारे एडजस्टमेंट्स बोलते हो। सो आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर ये ट्रांजेक्शन, इनको रिकॉर्ड करना है, पोस्टिंग करना है, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाद वाली सिचुएशन पढ़ रहे हैं। मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और ये अनरिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट दी रहेगी कुछ। यस और नो? और फाइनल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं? जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फाइनल अकाउंट से क्या पता चलता है? फाइनल अकाउंट से हमारे बिजनेस की औकात का पता चलता है, हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट का। ऑपरेटिंग रिजल्ट यानी धंधे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पिछले साल, पिछले साल हमारे बिजनेस में इनकम कितनी थी, पिछले साल एक्सपेंस कितने थे, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बिजनेस में कितनी असेट्स और लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट्स ये हमारे समरी रिपोर्ट्स का पार्ट है, जनरली जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना, जो भी मैं लिखवा के दूं स्क्रीन पे लिख लेने का है। क्लियर? चलो डन, अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने। सो आप लोग यहां पे हो, ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, फाइनल अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन अब ये वन बाय वन ये एक एक चीज तो समझ लो, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएनएल और ये बैलेंस शीट जो आते हैं ये क्या चीज है, चलो अभी बता देता हूं, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट के ही पार्ट है बेटा, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड रहेगा, 31 मार्च 2022, 2023, 31 दिसंबर 22, 23, जो भी रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे भी फॉर द, सर फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं बता देता हूँ, सब बता रहा हूँ, चिंता मत करना, जो भी ईयर एंड रहेगा। ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट है, लिख लो, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, राइट? अब अच्छे से ध्यान देना, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट,
पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब ध्यान देना ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा आप लोगों के ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ, रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। ऑल डायरेक्ट इनकम, रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑल डायरेक्ट आइटम रिलेटेड टू गुड्स, चाहे एक्सपेंस रहा तो डेबिट में क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, इनकम रहा तो क्रेडिट में, और P&L में ऑल डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और बचे हुए खर्चे, ऑफिशियल जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, इधर में बचे हुए एक्सपेंसेस, जनरल और एडमिन एक्सपेंसेस जो भी है वो बचे कुचे यहाँ पे आ जाएंगे, यस और नो। उसके बाद आगे चलते बेटा। सो अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं अच्छे से ध्यान देना बेटा। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब बेटा सब लोग अच्छे से ध्यान दे दो, है ना, प्लीज ध्यान देना बेटा। माल खरीदने से लेके तो बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा, माल खरीदने से लेके तो बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा, है ना। सर अगर मैन्युफैक्चर किया तो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंसेस भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, डोंट वरी। इसी टॉपिक में आगे जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बताऊंगा ना, तब मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में क्या क्या आता है बेटा। सो बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर में क्या क्या आएगा पहले एक बार समझ लो ट्रेडिंग में। सो माल खरीदने से लेके तो बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, यस और नो। एंड यू ऑल ऑफ यू गाइस, मतलब आप सभी को मालूम ही है ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, बरोबर है। अब सर जैसे कि एग्जाम्पल दे दो बेटा कुछ इसके, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान देना। जैसे मैंने माल परचेस किया, मेरा किराना शॉप है, मैंने गेहूँ, चावल, शक्कर, ऑयल, सोप, साबुन, शैम्पू खरीदा, तो ये माल खरीदा, राइट, ये आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस ऑफ गुड्स जितने में भी खरीदा। माल को पैर तो है नहीं जो अपने आप चल के आ जाएगा, माल को ट्रक के अंदर में लोड किया, लोड करने के लिए लेबर ने वेजेस लिए, लेबर चार्जेस लिए, वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। ट्रक अगर खुद का है तो फ्यूल पावर ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा, ट्रक भाड़े का है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। सो माल खरीदने से लेके ट्रक में लोड करने से लेके ट्रक के ट्रांसपोर्ट चार्जेस से लेके ट्रक सिटी लिमिट के बाहर आ गया ऑक्ट्राई देने से लेके माल बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। सो परचेस बोलो, फिर चाहे लेबर चार्जेस बोलो, चाहे ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोलो, चाहे आपका फ्यूल पावर बोलो, यस और नो, 5 बजे मैम, फिर आपका फ्यूल पावर बोलो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आने वाली है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कहाँ पे आएगी बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बरोबर है। सो ट्रेडिंग के डेबिट में कौन कौन से आइटम आ जाएंगे फटाफट से बता देना बेटा, लिस्ट याद नहीं करना कभी भी, जो सेंटेंस बताए, जो लॉजिक बताए, उस लॉजिक को आप हमेशा ध्यान रखो। माल खरीदने से लेके तो बिजनेस में लेकर आने तक और रेडी फॉर सेल करने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, यस और नो। उसके बाद ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आएगा, ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में माल खरीदने से लेके तो बिजनेस में लेकर आने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। अब माल से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में, तो माल से रिलेटेड डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगी ना, कॉमन सेंस ना, यस और नो, बरोबर है। और बचे हुए सारे खर्चे और बची हुई सारी इनकम P&L में चली जाएगी, यस और नो। चलो आ जाओ एक बार ध्यान देना सभी ने, बता देता हूँ बेटा। चलो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, अच्छे से ध्यान देना। ये मैंने माल परचेस कर लिया, ये आ गया परचेस, माल खरीदने के बाद ट्रक में लोड करने के लिए लेबर चार्जेस दिए, वेजेस दिए, वेजेस, लेबर, ट्रक खुद का रहा तो फ्यूल पावर, भाड़े का रहा तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस,
ट्रांसपोर्ट चार्जेस का ही दूसरा नाम कैरिज इनवर्ड है, लिख करके रख लेना, माल को लाने का खर्चा है ना। उसके बाद माल लेकर के आने के लिए ऑक्ट्राय दिया, सिटी लिमिट के बाहर नाका भाड़ा, जकात नाका, यस और नो, है ना, लोकल टैक्सेस दिए, ऑक्ट्राय और लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, इनकम टैक्स नहीं है वो। उसके बाद माल के लिए रॉयल्टी दिया होगा, मान लो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, नदी किनारे से मिट्टी लेके आता हूँ, मिट्टी ला करके सिटी के अंदर में मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करता हूँ, तो मिट्टी लेकर के आने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्टर को रॉयल्टी दिया था। वहाँ पे जिस किसी को भी टेंडर पास हुआ रहेगा ना, तो मिट्टी उठा के लाने के लिए रॉयल्टी देना पड़ता है ना, या काफ़ी बार माल को लेकर आने के लिए रॉयल्टी देना पड़ता है, जैसे काफ़ी बार, मतलब रॉयल्टी सिर्फ एक चीज़ में नहीं आती, रॉयल्टी कई सारी चीज़ों में आती है। मान लो मैंने कोई अकाउंट्स का बुक लिखा, अगर कोई पब्लिकेशन उस बुक को बना करके प्रिंट करके बेच रहा है, तो वो भी मुझे रॉयल्टी दे सकता है। लता मंगेशकर ने कोई गाना गाया था, वो गाना जब कभी भी रेडियो चैनल पर प्ले होता है, तो उसकी लता मंगेशकर को रॉयल्टी मिलती है, 20 पैसा 25 पैसा जो भी है ना। तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पे माल से रिलेटेड इनकम, उसको आप लोग क्या बोलते हो प्यार से, सेल्स। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख दी। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी। चलो आगे, पक्का डन क्लियर है। एक बार आपको याद दिला दूं, फाइनल अकाउंट ये टॉपिक चल रहा है। फाइनल अकाउंट के अंदर में सोल प्रोप्राइटरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, जिसके अंदर में ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। क्लियर? चलो ओके ओके डन, आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से बेटा अभी। सो ये आगे हमने सेल्स लिख दिया यहाँ पे। अब आप सभी लोगों को पता है बेटा, बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था आप लोगों ने, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका कहना था एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर ट्रेड। मान लो आपको समझाने के लिए मैंने 10 क्वांटिटी यहाँ पे परचेस किया और बेचा आपको समझाने के लिए 7 क्वांटिटी, तो यहाँ पे रेवेन्यू 7 क्वांटिटी का है, तो एक्सपेंस भी 7 क्वांटिटी का ही होना चाहिए था। एक्सपेंस तो 10 क्वांटिटी का दिख रहा है, नहीं चलेगा है। इसमें से 3 क्वांटिटी का खर्चा कम कर दो, कम करना है तो अपोजिट में लिख देता हूँ। इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से क्लोजिंग स्टॉक। सो आसान भाषा में यहाँ पे लिखो, क्लोजिंग स्टॉक is an adjustment out of purchase। और क्यों किया adjustment, इसके पीछे की वजह है since revenue matching concept। इसके पीछे की वजह क्या है बेटा, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में हर एक आइटम के पीछे की आपको वजह समझ में आई? फिर भी अगर किसी के बच्चे के कोई भी कोने में, अगर मन के कोई भी कोने में कोई डाउट है, तो प्लीज एक बार पूछो, सर आपने ऐसा क्यों किया। यस एनीबॉडी, क्लियर? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, है ना। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड शुड मैच विद द रेवेन्यू, उल्टा मत बोलना। कुछ बच्चे उल्टा बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड शुड मैच विद द एक्सपेंस। नो, उल्टा बोल दोगे तो सब काम खराब हो जाएगा। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड शुड मैच विद द रेवेन्यू। जबरदस्ती रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते हम लोग, हमारे कंपनी का राज चलते लोगों के सर पे बंदूक रख के, ए चल चल माल खरीद माल खरीद, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हो रहा है। नो, जबरदस्ती सेल नहीं बढ़ा सकता। तो एक काम करो, खर्चा कम कर दो, और ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा कम करना है तो अपोजिट में लिखना ही पड़ेगा। डन, चलो आ जाओ, ये मैंने लिख दिया था। चलो ये समझ में आ गया। और ये क्लोजिंग स्टॉक, ये स्प्रेड में मैंने माइनस कर दिया। अब ये अगले प्रेड का क्या दिखेगा, ओपनिंग रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते ये 3 क्वांटिटी कब बिकेगी, शायद नेक्स्ट प्रेड में, मतलब इससे रिलेटेड रेवेन्यू कब आएगा, नेक्स्ट प्रेड में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड खर्चा भी कब आना चाहिए, नेक्स्ट प्रेड में। तो नेक्स्ट प्रेड में ये क्या बन जाता है, डेबिट साइड में, खर्चे वाले साइड में ओपनिंग। वैसे पिछले प्रेड का भी यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। चलो यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? एक बच्चा कह रहा है, सर क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर कम इन द ट्रायल बैलेंस।
दो चीज़ें बोलूँगा। पहले तो जो आपने ट्रायल बैलेंस का स्पेलिंग गलत लिखा उसको ठीक करो, TRIAL बराबर है ट्रायल बैलेंस। और दूसरी एक और चीज़, ऐसा कभी रूल मत बनाओ कि क्लोजिंग स्टॉक कभी इधर नहीं आता कभी उधर नहीं आता। टोटली गलत है, टोटली गलत है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ भी सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं भी आ सकता है। यस और नो सर, ये कैसे समझेगा? ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक परचेस से ऑलरेडी एडजस्ट हो गया मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर परचेस में से एडजस्ट नहीं हुआ मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं हुआ है। क्लियर है? अब बच्चे काफ़ी बार बोलते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक हमने सुना था एडजस्टमेंट में होता है, ट्रायल बैलेंस में होता है। ये जब मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा ना तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी एडजस्टमेंट देखने वाले हैं मुन्ना, तो उसमें वन ऑफ द एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, तब बताऊंगा, चिंता मत करना। और कोई प्यारा बच्चा जिसके मन में कोई डाउट है बेटा? यस एनी बड़ी, एनी बड़ी? नो 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 नो, अभी आगे बढ़ रहे हो बेटा, आप आगे मत बढ़ो। कुछ बच्चे बोल रहे सर ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब बैलेंस शीट कैसे साइड में? क्या है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, बैलेंस शीट तो अभी तक पढ़ाया नहीं, आगे नहीं जाना है। शांत है भाई, रिलैक्स, सक्खू भाई के साथ चलो। क्लियर? चलो आगे, चलो ठीक है, डन 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 डन। चल चलो आ जाओ। अब ये सारी चीज़ें दे दी है, अब यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ। क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है तो डिफरेंस जो भी आएगा वो क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या आएगा? ग्रॉस लॉस, बैलेंसिंग फिगर। कॉमन सेंस, यस और नो? क्लियर है? और ये जो भी परचेस और सेल्स दिए ना, ये नेट परचेस है, मतलब परचेस रिटर्न अगर होगा तो माइनस कर देना इसमें से, सेल्स में से सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस कर देना। यस और नो? क्लियर? मतलब ये सारे आइटम आ गए हमारे पास में। सो ओपनिंग स्टॉक परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में नेट परचेस, यहाँ पे सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में नेट सेल्स, बाकी ये सारे खर्चे, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? ये क्लोजिंग स्टॉक, ये सेल्स, डन। चलो आ जाओ, डन। सो क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट के पीछे की आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई? ट्रेडिंग अकाउंट ये नॉमिनल है, एक्सपेंस और इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जनरली साल के आखिरी में प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट का ही एक हिस्सा है, नॉमिनल इन नेचर है। फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल के सारे इनकम और एक्सपेंस को कवर करता है, बैलेंस शीट की तरह नहीं है। सर मतलब साल के आखिरी दिन हमने वेजेस पे नहीं किए, हमने वेजेस पे किए थे ड्यूरिंग द परेड, साल के आखिरी दिन वेजेस पे नहीं किए फिर भी वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल की एक्टिविटी को कवर करते हैं। सर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वीडियो पिक्चर की तरह है, फिल्म, फिल्म, FILM फिल्म, वीडियो। एंड बैलेंस शीट इज लाइक अ स्नैपशॉट, सेल्फी। जिस मोमेंट पे बैलेंस शीट बनाई उस मोमेंट पे बिजनेस की औकात क्या है बैलेंस शीट से समझ में आता है। सेल्फी के अंदर जिस समय आप सेल्फी निकालते हो उस समय आप क्या कर रहे थे, बस वही समझ में आता है। सेल्फी के पहले आप क्या कर रहे थे वो नहीं समझ में आता है। लेकिन ट्रेडिंग P&L अकाउंट ये पूरी वीडियो फिल्म है, पूरे साल भर में कितनी इनकम थी और पूरे साल भर के कितने खर्चे थे वो सब समझ में आता है। मतलब पूरे साल की पिक्चर को कौन दिखाता है? ट्रेडिंग P&L। लेकिन बिजनेस के उस मोमेंट की पिक्चर को कौन दिखाता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज लाइक अ स्नैपशॉट और सेल्फी और फोटो स्टिल, यस और नो? ट्रेडिंग P&L लाइक होल वीडियो पिक्चर ऑफ द होल ईयर, यस और नो? पूरी पूरी वीडियो पिक्चर है, वीडियो फिल्म है, जिसमें आपको पूरे साल को पूरे साल का कवरेज मिलेगा, पूरे साल के इनकम एक्सपेंस समझ में आ जाएंगे, यस और नो? सो अब ट्रेडिंग अकाउंट को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसी एक चीज बता सकता हूँ क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ये सेल और ये क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा बोल सकता हूं ना। सो कॉमन सेंस, ओपनिंग स्टॉक, अरे बाबा ये दोनों साइड टैली है, ये खड़ा था मैंने आड़ा लिख दिया, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जीपी उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जीपी उधर गया तो माइनस हो जाएगा, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी को ही आप लोग प्यार से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हो। सेल में से प्रॉफिट अगर चला गया, सेल में से अगर प्रॉफिट चला गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से प्रॉफिट चला गया तो कॉस्ट ऑफ सेल ना, सेल में से प्रॉफिट गया तो कॉस्ट ऑफ सेल ना, राइट और रॉन्ग। सो ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। चलो यहां तक किसी बच्चे के मन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। यस, एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ डाउट, यो बोलो 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 बेटा। यस, एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ डाउट। एक बार आपको याद दिला दूं, फाइनल अकाउंट ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया बेटा। फाइनल अकाउंट के अंदर में आज मैंने आपको बताया फाइनल अकाउंट कब बनाते, क्यों बनाते, क्यों क्यों बनाते, यस और नो, उसके पीछे की वजह क्या है। जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाएंगे, ऑपरेटिंग रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, काफ़ी सारे डिसीजंस लेने होते हैं, डिसीजंस लेने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन फाइनल अकाउंट से मिलती है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है ना, फाइनल अकाउंट्स के अंदर में क्या क्या आता है बेटा, यस और नो। चलो ठीक है, बीच बीच में अपसेंट मत रहो सौरान खान, बीच बीच में अपसेंट नहीं रहना है बेटा, प्लीज़ रेगुलर रहो क्लास में, हाथ जोड़ के विनती है बेटा, है ना। मैं अगर कोई दिन अपसेंट रहूँ तो आपके भविष्य का नुकसान नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे लेक्चर में अपसेंट रहते हो तो ज़रूर आपका नुकसान है, यस और नो। चलो आ जाओ, सब लोग साथ में हैं, पक्का क्लियर, क्या यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आई, स्क्रीन पे सबको सारी चीज़ें दिख रही है बेटा। ये देखो ये पूरा साइकिल हमारा, आखिरी में फाइनल अकाउंट, और ये फाइनल अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट मैंने बता दिया कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ट्रेडिंग अकाउंट का ऊपर सर के बाल से लेके तो पैर के नाखून तक हर चीज़ के पीछे की वजह पता है क्या आपको, फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं, डेबिट में कौन से आइटम आते, क्यों आते, कैसे काय को आते, यस और नो, क्लियर, चलेगा चलेगा, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट के भरोसे एक मैंने इक्वेशन लिखा, वो आपको उधर आखिरी में दिख रहा है बेटा, है ना, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस और नो। चलो पहले का भी रिवाइज कर लेना, जर्नल एंट्रीज से लेकर ट्रायल बैलेंस तक, डन, वहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी पहली स्टेप है फाइनल अकाउंट की, है ना, उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। वो आज हमने ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम देखे, क्या आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया सभी को अब, पक्का, चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना, डन। और आपके किसी भी किताब के अगर कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ आप मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, है ना, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे बेटा, बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।